ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन. ओके, अब मुझे ये आज का जो भी डाउट सेक्शन है उस लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स. ओके, इशू ऑफ शेयर्स से हम शुरुआत करते हैं. चलो पूछो क्वेरी. चैप्टर नंबर 3 पे फोकस्ड एंड वन बाय वन, वन बाय वन. ओके, वन एंड टू. ओके, एनी मोर क्वेश्चन? चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड सारी क्वेरीज मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ. ओके, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग. चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, देन चैप्टर नंबर 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पूजा का बोलना है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए मैम. ओके, और जानवी का कहना है और क्वेश्चन नंबर 2 ओनली, क्वेश्चन नंबर 2 ओनली. वैशाली का भी बोलना है. चलो शुरुआत करते हैं. अब आगे जब तक इनकी तीनों की क्वेरी सॉल्व नहीं हो जाती ना, तब तक आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा. नो वन शुड बी देयर इन द चैट बॉक्स. ओके, गॉट इट एवरीवन? हाँ, वन एंड टू दोनों ले रही हूँ. ओके, लेकिन तब तक कोई कुछ भी क्वेरी नहीं करेगा. आया समझ में? मैं हाँ या ना पूछूंगी, उतना ही जवाब देगा. ओके, डील डन? ओके, और आज की बैच का कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आज की बैच अनलिमिटेड है. आया बात समझ में? आज अगर 1 बजे 2 बजे तो भी हम साथ ही रहेंगे. आया बात समझ में? तीसरा, चौथा, पांचवा चैप्टर. ओके, लेट्स स्टार्ट. इश्यू ऑफ शेयर्स, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स. शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. यूजुअली इन शेयर कैपिटल द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स इज मोर देन प्रेफरेंस शेयर्स. शेयर कैपिटल कैन बी क्लासिफाइड एज. ओके, शेयर कैपिटल कंपनी का शेयर कैपिटल. कंपनी का शेयर कैपिटल में सिर्फ 2 ही टाइप के शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर. ओके, और किसी तीसरे टाइप के शेयर्स नहीं होते. कंपनी का ओन कैपिटल होता है इक्विटी कैपिटल एंड प्रेफरेंस कैपिटल. समझा? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके. ओके ओके, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स सिर्फ 2 ही शेयर्स है जिसको इशू कर हम अपने कंपनी के लिए ओन कैपिटल खड़ा कर सकते हैं. ओके, अब भाई ये इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं ये आपको काफी अच्छे से पता है. इक्विटी शेयर्स मतलब कौन से शेयर्स? इक्विटी शेयर्स मतलब वो शेयर्स. इक्विटी शेयर्स इज इक्वल्स टू मेंबर्स. इक्विटी शेयर्स इज इक्वल्स टू मेंबर्स इज इक्वल्स टू ओनर्स. ओके, इक्विटी शेयर्स मतलब वो शेयर्स जो लोग खरीदते हैं, जो इक्विटी शेयर्स खरीद के हमारी कंपनी का मेंबरशिप ले सकते हैं कोई भी पर्सन. ओके, इक्विटी शेयर्स कंपनी के मेंबर्स होते हैं और वो उसके ओनर भी होते हैं. क्यों इक्विटी शेयर्स कंपनी के ओनर्स और मेंबर्स होते हैं? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं. प्रॉफिट का सबसे आखिर में बचा हुआ हिस्सा जो मिलता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाता है. समझा? प्रॉफिट बचता है. सपोज अभी मैंने 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया, तो 10 करोड़ रुपए कंपनी का जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से सबसे पहला होगा बैंक लोन पे का ब्याज. बैंक लोन पे का ब्याज पे होगा. उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट पे होगा. उसके बाद प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड पे होगा. ओके, ये तीनों के बाद भी टैक्स जाएगा. टैक्स के बाद जो कुछ भी बचा हुआ पैसा है कुछ रिजर्व्स में जाएगा. और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो, अगर कुछ भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा. इक्विटी शेयर होल्डर्स कभी भी आपसे प्रॉफिट की डिमांड नहीं कर सकते. ना वो इंटरेस्ट की डिमांड करते हैं, ना वो डिविडेंड की डिमांड करते हैं. आया समझ में? इंटरेस्ट तो खैर छोड़ ही दो, लेकिन डिविडेंड की डिमांड कभी भी इक्विटी शेयर्स नहीं करते. आया समझ में? अगर बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, अगर नहीं बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं बचता है. और प्रेफरेंस शेयर्स में आपको चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड देना ही पड़ता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पे फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड होता है. ओके, बैंक लोन के बाद, बैंक लोन के ऊपर का ब्याज और EMI पे करने के बाद हमको पे करना पड़ता है डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट, और बाद में पे करना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड. आया समझ में? इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्या फर्क है बच्चों?
आया समझ में क्यों उनको ओनर बोला जाता है? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर सबसे ज्यादा सबसे मैक्सिमम रिस्क लेते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिस्क लेते हैं कंपनी में, इसीलिए उनको मेंबर्स या फिर ओनर्स ऑफ द कंपनी बोला जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स होता है, दुनिया इधर की उधर हो जाए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड मिलकर ही रहता है। बैंक लोन चुकाएंगे पहले, फिर बाद में डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट चुकाएंगे, बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड चुकाएंगे, फिर जो कुछ भी पैसा बचता है उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे और थोड़ा पैसा हम रिजर्व्स में भेजेंगे, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। गॉट इट? इफ इक्विटी और प्रेफरेंस का डिफरेंस क्लियर है, ओके लेट्स मूव अहेड। अब शेयर कैपिटल को क्लासीफाई किया जाता है, शेयर कैपिटल को क्लासीफाई किया जाता है, किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है देखेंगे। एक होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ओके, जब आपने कंपनी बनाई, हम सब ने मिलकर एक कंपनी बनाई, हमको पता है कि हमारी कंपनी का ओन कैपिटल हमको कितना चाहिए, हमने रख लिया भैया 10 लाख रुपए। तो ये जो ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल होता है, इससे ज्यादा कोई भी कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती, ये मैक्सिमम लिमिट है आपका। आया समझ में? ऑथोराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल, इसको जनरली ऑथोराइज्ड कैपिटल ही हम कहेंगे। आया बात समझ में? इसको तीन नाम है, ऑथोराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल, लेकिन मैं इसको ऑथोराइज्ड कैपिटल ही बोलूंगी। ऑथोराइज्ड मतलब अधिकार, आया समझ में? आपको अधिकार है शेयर्स इशू करने का, इक्विटी शेयर्स इशू करने का, लेकिन कहाँ तक आप इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो ये ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलता है। जो भी लिमिट आप उसमें लिखोगे, जो भी लिमिट आप उसमें रखोगे, 5 करोड़ की लिखोगे 5 करोड़ लिख दो, 50 करोड़ की लिखोगे 50 करोड़ लिख दो, ये मैक्सिमम कैपिटल होता है, इसके ऊपर आप 1 रुपया भी खड़ा नहीं कर सकते। आया समझ में? ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है। ऑथोराइज कैपिटल मतलब ये आपके मैक्सिमम अमाउंट है जितना आप इक्विटी शेयर्स बेच के खड़ा कर सकते हो। ऑथोराइज कैपिटल मतलब ये आपका मैक्सिमम अमाउंट है जिसके द्वारा आप शेयर्स बेच सकते हो। आया समझ में? अगर 5 करोड़ रुपए इसका लिखा होगा कि XYZ कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल है 5 करोड़, XYZ कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल है 5 करोड़, तो वो इक्विटी शेयर सिर्फ 5 करोड़ का ही बेच सकता है। समझा? इतना समझा? ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब मैक्सिमम लिमिट, आप इतना ही खड़ा कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा की आपको जरूरत पड़ती है तो बेटा आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बदलना पड़ेगा। मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको बताता है कैसे करना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आपको बताता है क्या करना है, एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी आपको बताता है कैसे करना है। मेमोरेंडम जनरल केस में नहीं बदलता, मेमोरेंडम इजीली नहीं बदलता। मेमोरेंडम में आपको छोटू भी चेंज करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, जनरल मीटिंग रखनी पड़ती है और जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। आया समझ में? और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत मतलब बहुत सीवियर केसेस में बदलता है, तब तक बदलता नहीं है। ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब मैक्सिमम लिमिट, आप कितना इक्विटी शेयर्स मार्केट में बेच सकते हो, मैक्सिमम कितना इक्विटी शेयर्स आप मार्केट में बेच सकते हो और मार्केट से पैसा उठा सकते हो, ये बताता है, ये डिनोट करता है आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल। और ऑथोराइज्ड कैपिटल का क्लॉज लिखा हुआ होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। आया समझ में? इतना क्लियर है? ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लियर है? ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है क्लियर है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स यू कैन से यू कैन इश्यू इनटू द मार्केट। ओके, ऑथोराइज्ड कैपिटल इज इक्वल्स टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स विच यू कैन इशू, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स विच यू कैन इशू इन टू द मार्केट, और आप पैसा इकट्ठा कर सकते हो इक्विटी शेयर्स बेच के। ओके, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये मेरा मैक्सिमम है, लेकिन मुझे मैक्सिमम की जरूरत आज ही पड़ेगी क्या? बोलो, कंपनी की शुरुआत में ही मुझे मैक्सिमम कैपिटल खड़ा करने की जरूरत पड़ेगी क्या? ऑथोराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम कैपिटल, पूनम, ऑथोराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम कैपिटल। जैसे मेरी कंपनी का कैपिटल, मैंने ऑथोराइज कैपिटल रखा 5 करोड़ रुपए। ओके, 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 शेयर्स इज इक्वल्स टू 50 लाख शेयर्स मैंने मार्केट में बेच देना है।
ओके समझा, ये मेरा मैक्सिमम कैपिटल है, इतने ही अमाउंट के मैं इक्विटी शेयर्स बेच सकता हूँ, इससे ऊपर एक भी इक्विटी शेयर मैं नहीं बेच सकता। 5 करोड़ रुपए मेरा मैक्सिमम कैपिटल है, जो मेरा मैक्सिमम कैपिटल है उसको मैं बोलूंगी ऑथराइज्ड कैपिटल। अब समझा पूनम, जो मेरा मैक्सिमम कैपिटल है उसको मैं बोलती हूँ ऑथराइज्ड कैपिटल, उससे ऊपर मैं 1 रुपया भी नहीं इशू कर सकती। जितना मैं मैक्सिमम इशू कर सकती हूँ उसको बोला जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल, कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल। नाउ क्लियर? ओके लेट्स मूव अहेड। अब भाई 5 करोड़ की जरूरत आपको कंपनी की शुरुआत में ही पड़ेगी, कह रहे 5 करोड़ की जरूरत आपको कंपनी की शुरुआत में ही पड़ेगी क्या? बोलो, बस कंपनी शुरुआत कर दी मैंने, अभी मेरी कंपनी शुरू हो गई। एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे, टप्पे टप्पे से स्टेप बाय स्टेप पैसा इकट्ठा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फंड्स इकट्ठा करेंगे, येस और नो। जैसे जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमको चाहिए, जैसे जैसे हमको अपग्रेड करना है खुद को, नई मशीनरी चाहिए कंपनी में, नया हमको प्रोजेक्ट मिला है उसको कंप्लीट करने के लिए हमको मीडियम शॉर्ट टर्म फंड चाहिए, वैसे वैसे उस हिसाब से आगे जाते जाते हम पूरा फंड्स इकट्ठा करेंगे। यस, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ओके तो भाई ये 5 करोड़ में से मैं डिसाइड करती हूँ कि 1 करोड़ की जरूरत मुझे अभी है, 1 करोड़ रुपए के मैं इक्विटी शेयर्स, 1 करोड़ रुपए के मैं इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू करता हूँ। अभी मुझे मेरी कंपनी शुरू हो गई, अब मेरी कंपनी में मुझे लगेगा मशीनरी, मेरी कंपनी में मुझे बनानी पड़ेगी बिल्डिंग, मेरी कंपनी में मुझे लगेगा ऑफिस फर्नीचर, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स है। ओके, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स है। तो फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए मेरे को पैसा चाहिए, ये पैसा मैं लाऊंगा क्या कहीं से, कुछ बैंक लोन लूंगा, कुछ इक्विटी शेयर होल्डर से मंगवाऊंगा। ओके तो बैंक लोन तो मिल गया, लेकिन फिर भी मुझे जरूरत है पैसे की। ओके तो मैं क्या करूंगा, इक्विटी शेयर्स से पैसा इकट्ठा करूंगा, इक्विटी शेयर्स बेचूंगा मेरी कंपनी के और मार्केट में पैसा इकट्ठा करूंगा, मार्केट से पैसा इकट्ठा करूंगा, आईपीओ निकालना पड़ेगा मुझे उसका। ओके, 1 करोड़ रुपए मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई 1 करोड़ रुपए की मुझे जरूरत है, तो भाई 1 करोड़ रुपए का ही मैं इशू कैपिटल करूंगा, येस और नो बोलो। तो 1 करोड़ रुपए की ही इक्विटी शेयर्स में मार्केट में बेचूंगा ना, 1 करोड़ रुपए का ही आईपीओ निकालूंगा ना, येस और नो? हाँ, तो भाई 5 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपए की मेरे को जरूरत है, तो बाकी 4 करोड़ रुपए हो गया मेरा अनइश्यूड कैपिटल। मेरे को जरूरत नहीं है, मैंने वो बाजू में रख दिया, जितने की मेरे को जरूरत है उतने की मैंने शेयर्स में मार्केट में शेयर्स पंप अप कर दिए, आईपीओ निकाल दिया। भैया 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, 1 करोड़ रुपए मुझे मार्केट से चाहिए, आईपीओ निकाल दिया 1 करोड़ रुपए का। ओके, 5 करोड़ क्या है मेरा ऑथोराइज्ड कैपिटल, 5 करोड़ क्या है मेरा ऑथोराइज्ड कैपिटल, 5 करोड़ में से 1 करोड़ है मेरा इशूड कैपिटल जिसकी मुझे जरूरत है। ओके, 1 करोड़ बन गया मेरा इशूड कैपिटल और बाकी 4 करोड़ है मेरा अनइशूड कैपिटल। इतना क्लियर है? इशूड कैपिटल मतलब जितने की जरूरत है उतना आपने मार्केट में बेचने के लिए निकाला, 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, 1 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर्स मैंने मार्केट में बेचने के लिए निकाले, बाकी 4 करोड़ के शेयर्स मैंने बाजू में रखे हुए हैं, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं उसको निकाल लूंगी। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है इशूड कैपिटल क्या है और अनइशूड कैपिटल क्या है? 1 करोड़ मेरा इशूड कैपिटल है और 4 करोड़ मेरा अनइशूड कैपिटल है, जैसे जैसे मेरे को जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं निकालूंगा, और मेरा ऑथोराइज्ड कैपिटल है 5 करोड़। एग्जाम्पल लिखते चलो बाजू में, ओके, आपके पास नोट से बाजू में एग्जाम्पल लिखते चलो। एग्जाम्पल 5 करोड़, 5 करोड़ में से 1 करोड़ की जरूरत है, 1 करोड़ इशू कर दिया, 4 करोड़ मेरा अनइशूड कैपिटल मेरे बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, यहाँ तक क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सब्सक्राइब कैपिटल, मैंने 1 करोड़ रुपए के शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए निकाले, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 रुपए कितने होते रे, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 रुपए मतलब कितने इक्विटी शेयर्स होंगे, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 रुपए मतलब कितने इक्विटी शेयर्स होंगे, प्लीज टेल मी इन चैट बॉक्स। एक करोड़ रुपया डिवाइडेड बाय 100 रुपए, हाँ 1 लाख, 1 लाख। कनेक्शन लूज हो गया था पता है आप लोगों को, कुछ देर के लिए मेरी आवाज नहीं आ रही होगी आप लोगों को,
आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुछ भी गड़बड़ी होती है ना प्लीज इन्फॉर्म मी। ओके कुछ भी गड़बड़ी होती है ड्यूरिंग होल सेशन, क्योंकि ऐसा कुछ होता है ना मेरा थोड़ा सा ये हो जाता है, थोड़ा सा फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। यस आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब ऑल्सो गाइज। यस यस एनीथिंग फॉर यू एनीथिंग फॉर यू। आप लोग बस मन लगाकर पढ़ो, बाकी आप लोगों को सब कुछ कैसे प्रोवाइड करना है मेरे पे छोड़ दो। ओके लेट्स स्टार्ट लेट्स गो अहेड। ओके तो भाई 5 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए का मैंने इशू कर दिया। ओके 1 करोड़ रुपए के लिए मैंने 1 करोड़ शेयर्स डिवाइडेड बाय 100 रुपए इज इक्वल्स टू 1 लाख शेयर्स। ओके ओके देन सब्सक्राइब हो गए हमारे 1 लाख शेयर्स, जितने भी मैंने निकाले थे उतने पूरे सब्सक्राइब हो गए। ओके अभी के स्टेज के लिए आपको इतना पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके 1 लाख शेयर्स मैंने मार्केट में इशू करने के लिए निकाले थे, 1 लाख शेयर्स मैंने इशू कर दिए, पूरे के पूरे फुल्ली सब्सक्राइब हो गए, फुल्ली सब्सक्राइब। ओके 1 लाख शेयर्स जो है वो फुल्ली सब्सक्राइब हो गए, उसको क्या बोला जाएगा? सब्सक्राइब कैपिटल। आया समझ में? उसको बोला जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल 1 लाख शेयर्स। ओके 1 लाख शेयर्स फेस वैल्यू क्या है उस शेयर्स का? 1 लाख शेयर्स का फेस वैल्यू है 100 रुपया। ओके 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपया मतलब कितने पैसे हुए? 1 करोड़ रुपए पूरे। 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपया जो इसकी फेस वैल्यू है इज इक्वल टू 1 करोड़ रुपया पूरा। आया समझ में? तो भाई जितना मैंने इशू किया था उतना पूरा सब्सक्राइब हो गया। मेरी कंपनी इतनी अच्छी, इतना नाम चल रहा है, बिल्कुल हवा हो गई मेरी कंपनी की मार्केट में। ओके जितने भी ब्रोकर्स हैं मेरे जो भी है, ओके उतना में बहुत ही से बढ़ाई चढ़ाई कर रहे हैं मेरे नाम की। ओके तो आईपीओ मेरा हाथों हाथ बिक गया, आईपीओ मेरा हाथों हाथ बिक गया और लोगों ने भर भर के रिस्पॉन्स दिया और सारे के सारे जितने 1 लाख शेयर्स मैंने बेचने के लिए निकाले थे ना सबके सब लोगों ने खरीद लिए। तो मेरा कैपिटल हो गया जितना मेरा इशूड कैपिटल है ना बेटा 1 करोड़ रुपया, उतना पूरा का पूरा मेरा सब्सक्राइब कैपिटल बन गया। आया समझ में? यहां तक क्लियर है सब्सक्राइब कैपिटल? सब्सक्राइब कैपिटल क्लियर है? जितना मैंने इशू किया उतना लोगों ने खरीद लिया, लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, परचेस कर लिया। सब्सक्राइब बोले तो परचेस लिखो वहां पे, सब्सक्राइब बोले तो परचेस, परचेस्ड कैपिटल। इशू निकाला मैंने 1 करोड़ रुपए का कैपिटल निकाला और लोगों ने खरीद लिया, परचेस कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, 1 करोड़ रुपए का कैपिटल पूरा, उसको बोला जाता है सब्सक्राइब कैपिटल। यहां तक क्लियर है? बोलो कम ऑन आंसर मी इन चैट बॉक्स फास्ट क्विक। सब्सक्राइब कैपिटल समझा, परचेस कैपिटल समझा? अरे आंसर मी इन चैट बॉक्स फास्ट। आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी?
ओके आगे बढ़ते हैं। अगर ये मैंने 1 लाख शेयर्स अगर मार्केट में निकाले, ठीक है, 1 लाख शेयर्स मैंने मार्केट में बेचने के लिए निकाले, लेकिन 1 लाख शेयर्स में से 80,000 बेचे गए, ओके 80,000, 1 लाख शेयर्स में से एट द फेस वैल्यू 100, 1 लाख शेयर्स एट द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100, तो लोगों ने 80,000 शेयर्स खरीद लिए, 20,000 खरीदने बाकी है। आज समझ में, पहले केस में मेरे को भर भर के रिस्पांस मिल गया, लेकिन केस नंबर 2 यहाँ पर मुझे उतना रिस्पांस नहीं मिला, लोगों ने 80% जो भी है मेरा इश्यूड कैपिटल है वो खरीद लिया, 80,000 शेयर्स लोगों ने खरीद लिए, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितना होगा? सेकंड वाली केस में क्या होगा, मेरा सब्सक्राइब कैपिटल कितना होगा सेकंड वाली केस में? केस नंबर वन में 1 लाख शेयर्स पूरे बिक गए, मेरा सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, पूरा 1 करोड़, ओके। सेकंड केस में, केस नंबर 2 में मैंने 1 लाख शेयर्स बेचने के लिए निकाले थे, 80,000 शेयर्स बेच पाई, कितना हो गया मेरा सब्सक्राइब कैपिटल, कितना हो गया मेरा सब्सक्राइब कैपिटल? 80,000 फेस वैल्यू है 100 रुपए मैडम जानवी, तो कितना हो गया मेरा सब्सक्राइब कैपिटल बोलो आप? 80,000 बिक गए एट द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100, तो मेरा सब्सक्राइब कैपिटल कितना हुआ? 80,000 शेयर्स एट द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100 बिक गए, लोगों ने खरीद लिए, लोगों ने उतने ही खरीदे, ओके, तो कितना हुआ मेरा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल? हाँ दिशा, यस हर्षदीप, एग्जैक्टली 80 लाख रुपए। 1 करोड़ रुपया मैंने बेचने के लिए निकाला था, इशूड बेचने के लिए निकाला, एक करोड़ रुपया पूरा, लोगों ने खरीदा 80,000 शेयर्स एट द फेस वैल्यू ऑफ 100, तो ओके सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो जाएगा? 80 लाख। सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो जाएगा? 80 लाख, 80,000 शेयर्स एट द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100, तो टोटल सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो जाएगा मेरा? 80 लाख। समझा, यहाँ तक क्लियर है? इशूड कैपिटल क्लियर है, सॉरी सब्सक्राइब कैपिटल क्लियर है? सब्सक्राइब कैपिटल हो गया मेरा केस नंबर 2 में 80 लाख, तो अनसब्सक्राइब कितना हुआ रे? अगर लोगों ने 80,000 शेयर्स खरीदे तो बचे कितने? 80,000, तो मेरा अनसब्सक्राइब कैपिटल कितना हुआ? बेटा चेताली, एग्जैक्टली सब्सक्राइब कैपिटल 80 लाख, अनसब्सक्राइब कैपिटल 20 लाख। केस नंबर 1 में मैंने जो बोला था, केस नंबर 1 में मेरा फुल्ली सब्सक्राइब हो गया था, 1 करोड़ रुपए के शेयर्स निकाले थे बेचने के लिए, 1 करोड़ रुपए की एट द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100, बराबर बोले तो 1 लाख शेयर्स मैंने मार्केट में बेच दिए, केस नंबर 1 में 1 लाख शेयर्स मैंने मार्केट में बेच दिया और फुल्ली सब्सक्राइब हो गए, फुल्ली सब्सक्राइब। लेकिन केस नंबर 2 में मैंने मार्केट में 1 लाख शेयर्स बेचने के लिए लाया था एट द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100, जिसमें से 80% मतलब 80,000 शेयर्स बिक गए, तो मेरा सब्सक्राइब कैपिटल हुआ 80 लाख और अनसब्सक्राइब कैपिटल हुआ 20 लाख। मेरे 80,000 शेयर्स बिक गए, 20,000 मेरे पास बच गए, तो उसका उसको बोला जाएगा, जो लोगों ने नहीं खरीदे उसको बोला जाएगा अनसब्सक्राइब कैपिटल। क्लियर है यहां तक? सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब क्लियर है बच्चों? सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब क्लियर है? हाँ, आप डिसाइड कर सकते हो दिशा, आप चाहे आपकी मर्जी के हिसाब से, जितनी बड़ी कंपनी आपको खोलनी है ना उस हिसाब से आप ऑथोराइज कैपिटल आपका डिसाइड कर सकते हो, ओके। ऑथोराइज, इशूड, अनइशूड, सब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड, क्लियर है? ऑथोराइज कैपिटल मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट में से मेरे को जितनी जरूरत है उतना मैं इशू करूंगा, बाकी का रहने दूंगा, ओके। इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल, जो मैंने इशू किया उसमें से जितना लोगों ने खरीदा उसको बोला जाएगा अनसब्सक्राइब कैपिटल, जितना मेरे पास बचा उसको बोला जाएगा अनसब्सक्राइब कैपिटल। देन अब लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए 80,000 शेयर्स पूरे एट द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100, ओके। आप एग्जाम्पल लिख रहे हो ना मेरे साथ, पेंसिल से साइड में? एग्जैक्टली लिखो, क्योंकि ये एग्जाम्पल वापस वापस मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो गाढ़वा समोर वाचली कथा रात्रि सा गोंधल भरा होता, ऐसा हो जाएगा।
Yes, those who are from Marathi medium and who have given scholarship exam of 4th and 7th standard can relate to me. Very good, Kushi. चलो आगे बढ़ते हैं. अब ये 80,000 शेयर्स लोगों ने खरीद लिए, तो 80,000 शेयर्स का कितना है वैल्यूएशन बोलो? 80 लाख. ठीक है, ये 100 रुपए में लोगों से एक साथ मंगवाऊंगी कह रहे? एकदम लोग एप्लीकेशन मनी बोल के बिल्कुल पूरे 100 रुपए मंगवा लूंगी, ऐसा होगा क्या बोलो? एप्लीकेशन पे ही लोग मेरे को 100-100 रुपए दे देंगे, बिल्कुल ऐसा होगा क्या? तो मैं क्या करती हूँ, इसके टुकड़े गिराती हूँ, मैं इसके इंस्टॉलमेंट्स गिराती हूँ, हाँ या ना? तो इन इंस्टॉलमेंट्स को क्या नाम बोला जाता है? मैंने लिखवाया था. इसको ब्रेकअप किया जाता है, फेस वैल्यू का ब्रेकअप किया जाता है और उस हिसाब से आपसे पैसे मंगवाए जाते हैं. चलो जवाब दो, कैसे मंगवाए जाते हैं पैसे, कैसे कॉल अप किए जाते हैं पैसे, कौन से स्टेप से कॉल अप किए जाते हैं पैसे, बोलो आंसर. वो 5 पॉइंट्स लिख दो कोई, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा. मैंने जो लिखवाया था बिल्कुल रिकॉल करके. हाँ यस यस वैशाली, 5 एक साथ लिख दो बेटा चैट बॉक्स में, अपना ही चैट बॉक्स है. हाँ, एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी एंड पांच हिस्सों में, 5 टुकड़ों में मैंने मंगवाए थे पैसे बेटा. 5 के 5 टुकड़ों के नाम ले लो तुम. यस दिशा, यस यस वैष्णवी, यस जानवी, यस एंड फाइनल कॉल. यस, एप्लीकेशन मनी मंगवाऊंगा, अलॉटमेंट मनी मंगवाऊंगा, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल. ओके, ये जो 100 रुपए है ना, 100 रुपए मेरे शेयर्स की फेस वैल्यू है, तो इसको मैं 5 टुकड़ों में मतलब डिवाइड करता हूँ. 20, 20, 20, 20, 20. ओके, 25 जा 20 गुणेला 5 कितनी होता? 20 मल्टीप्लाइड बाय 5, हाउ मच? 100 एग्जैक्टली. तो भैया 20 रुपए में मंगवा रही हूँ एप्लीकेशन के नाम पर. एप्लीकेशन मनी 20 रुपए, अलॉटमेंट मनी 20 रुपए, फर्स्ट कॉल 20 रुपए, सेकेंड कॉल 20 रुपए एंड थर्ड एंड फाइनल कॉल 20 रुपए. लिखो वहां पे मैंने कैसे डिवाइड किया 100 रुपए को, लिखो अपने एग्जाम्पल में. कम ऑन फास्ट लिखो. एप्लीकेशन मनी इज इक्वल्स टू 20 रुपीज पर शेयर, अलॉटमेंट मनी इज इक्वल्स टू 20 रुपीज पर शेयर, फर्स्ट कॉल इज इक्वल्स टू 20 रुपीज पर शेयर, सेकेंड कॉल इज इक्वल्स टू 20 रुपीज पर शेयर एंड थर्ड एंड फाइनल कॉल इज इक्वल्स टू 20 रुपीज पर शेयर. लिखा जो मैंने डिविजन किया फेस वैल्यू का, लिखा क्या? यस वेरी गुड पूजा. ओके, सबने लिखा जो मैंने डिवीजन किया, बिल्कुल 5 टुकड़ों में 20-20-20 रुपए के. एप्लीकेशन पे 20 रुपए पर शेयर, अलॉटमेंट पे 20 रुपए पर शेयर, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए पर शेयर, सेकेंड कॉल पे 20 रुपए पर शेयर एंड द फाइनल कॉल पे 20 रुपए पर शेयर. ओके, लेट्स मूव अहेड. तो अब कॉल अप कैपिटल, ये इसमें से मैंने एप्लीकेशन भी मंगवाया, अलॉटमेंट भी मंगवाया, फर्स्ट कॉल भी मंगवाया. ओके, मतलब 60 रुपए पर शेयर मैंने मंगवा लिए, 60 रुपए पर शेयर मैंने मंगवा लिए. कॉल्ड अप कैपिटल मैंने एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मंगवा लिया है. कॉल्ड अप मतलब आपको जितनी भी जरूरत है आप उतना कॉल अप करवा लेते हो. ओके भाई, अब मुझे ये जो 80,000 शेयर्स बिके गए हैं उसमें से 60 रुपीज पर शेयर की जरूरत है, तो मैं उतना कॉल अप करवा लूंगी. ओके, लेकिन अनकॉल्ड कैपिटल, अब भाई 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 60 रुपीज, 80,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 60 रुपीज, ये हो गया मेरा कॉल्ड अप कैपिटल. तो मेरा अनकॉल्ड कैपिटल कितना बचा? 100 रुपए में से 60 रुपए मैंने मंगवा लिए, अनकॉल्ड कितना है? अनकॉल्ड कितना बचा? कम ऑन आंसर मी इन चैट बॉक्स. अनकॉल्ड कैपिटल कितना है? 80,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 40, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 60 मैंने मंगवा लिए, मैंने 60 रुपए मंगवा लिए. ओके, एप्लीकेशन मनी मंगवा लिया 80,000 शेयर्स पे,
अलॉटमेंट मनी मंगवा लिया 80,000 शेयर्स पे, फर्स्ट कॉल मंगवा लिया 80,000 शेयर्स पे, ओके। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना हुआ मेरा, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 60 रुपीज करो, कॉल्ड अप कैपिटल कितना हुआ मेरा, 80,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 60 रुपीज, कितना हुआ मेरा कॉल्ड अप कैपिटल, मैं कॉल्ड अप कैपिटल की बात कर रही हूँ बेटा, 80,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 60 रुपए। यस वैशाली यू आर करेक्ट, 48 लाख। यस प्रतीक्षा यू आर करेक्ट, 48 लाख। तो मेरा कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, 48 लाख। क्या लेना बाकी है रे मेरा, क्या मंगवाना बाकी है, मैंने एप्लीकेशन मनी मंगवा लिया, मैंने अलॉटमेंट मनी मंगवा लिया, मैंने फर्स्ट कॉल मंगवा लिया, तो मंगवाना बाकी क्या है ये बताओ मुझे, अनकॉल्ड क्या है, मैंने बुलाया ही नहीं, बुलाया हुआ पैसा है मेरा 80,000 शेयर्स पे 60 रुपए पर हिसाब से, ओके। मैंने बुलाया 80,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल, 20 रुपए 60 रुपए मैंने मंगवा लिए। अब अनकॉल्ड कैपिटल क्या क्या बचा, अनकॉल्ड कैपिटल मैंने क्या क्या नहीं मंगवाया ये बताओ मुझे। सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यस एग्जैक्टली समीक्षा यू आर राइट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मंगवाना बाकी है, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, अनकॉल्ड कैपिटल, क्योंकि मैंने उसको कॉल ही नहीं किया, कॉल किया वो आ गया लेकिन अनकॉल्ड है, आया समझ में, कॉल्ड अप कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल समझा, क्लियर है, कॉल किया आ गया लेकिन कॉल किया ही नहीं तो वो अनकॉल्ड कैपिटल है, तो मैंने कॉल नहीं किया किसको, सेकंड एंड फाइनल कॉल को, समझा यहां तक क्लियर है, कॉल्ड अप कैपिटल एंड अनकॉल्ड 48 लाख एंड 32 लाख। अरे हाँ या ना, बस यही जिंदगी है बेटा, यही जिंदगी है, ओके। कॉल्ड अप मैंने किए, 40 रुपए बाकी है मेरे 80,000 शेयर्स पे, ओके। आठ 32 लाख आने बाकी है मेरे, 48 लाख आ गया, ओके डन, यहाँ तक सब डन है, ओके। लेकिन मैंने ना एक डिसाइड करके रखा है, मैंने ना एकदम ऐसे मन में बना के रखा है हम सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलके, कि भाई ये जो फाइनल वाला कॉल है ना 1 करोड़ शेयर्स का, ये हमको जरूरत पड़ेगी तो हम मंगवाएंगे, आया समझ में, ओके। सेकंड कॉल तो हम मंगवा लेंगे जब जरूरत पड़ेगी तब, लेकिन रिजर्व कैपिटल मतलब आप ये 100 रुपए में से कुछ रिजर्व रखते हो, आया समझ में, जब जरूरत पड़ेगी इन केस ऑफ इमरजेंसी आप ये पैसा मंगवाते हो, रिजर्व कैपिटल, गॉट इट, रिजर्व कैपिटल का मीनिंग समझा, कॉल्ड अप हो गया, अनकॉल्ड हो गया, रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, ओके। एक शेयर होल्डर की इक्विटी शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कितनी होती है ये बता दो मुझे चैट बॉक्स में, इक्विटी शेयर होल्डर इज हेल्ड लायबल अप टू, इक्विटी शेयर होल्डर इज होल्ड लायबल अप टू, इक्विटी शेयर होल्डर इज होल्ड लायबल अप टू, कहां तक लायबिलिटी लिमिटेड होती है इक्विटी शेयर होल्डर की, अरे नहीं नहीं मैडम, नहीं दिशा ऐसा नहीं है, याद जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी मैडम, दिशा अनलिमिटेड लायबिलिटी मैंने कुछ केसेस में बोली है, और कंपनी खोलने के पीछे हमारा रीजन ही वो है कि हम कंपनी फॉर्मेट क्यों खोलते हैं, लायबिलिटी प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, हम इक्विटी शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड है बेटा बोलो, ये आंसर जो दिया ना उसने जीत लिया बेटा, ये आंसर जो दिया ना उसने जीत लिया, उसको समझ में आ गया सब कुछ, इक्विटी शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड अप टू कहां तक है, नो नो नो, इक्विटी शेयर होल्डर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू, इक्विटी शेयर होल्डर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू, अप टू, नो 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 नो,
नो 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 नो, छोटू सा आंसर है रे। तुम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो इसको। नहीं वैष्णवी, सबने जवाब गलत दिया। बहुत चिटुक लागर मैं याद दिलाऊंगी ना, तो आपको पटाख से लाइट जलेगी आपके दिमाग की। इक्विटी शेयर होल्डर्स लायबिलिटीज लिमिटेड अप टू, लायबिलिटी बोला है मैंने प्रिया। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, लिख लो कहीं पे। इक्विटी शेयर होल्डर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर मैंने उससे 100 रुपए का मैंने उसको शेयर बेचा है बेटा, तो मैं उससे वसूल कितना कर सकती हूँ? सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया। और अगर उसने फुल्ली पेड अप कर दिया शेयर, पूरा 100 रुपया मुझे दे दिया है, तो मैं उससे 1 रुपया भी नहीं मांग सकता। हाउ की नहीं बोलो, याद आया? लिखो कहीं पे, छाप लो दिमाग में। इक्विटी शेयर होल्डर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू। हाँ तो अब तक याद क्यों नहीं आया किसी को? क्यों नहीं याद आया? मैंने तो इतनी बार बोला ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स लायबिलिटी। इनफैक्ट 11th स्टैंडर्ड के OCM में मैंने लायबिलिटी सिखाई थी आप लोगों को। थैंक गॉड मैं ही आपकी फैकल्टी थी। हाँ तो ये ना चीज दिन भर में वो नहीं, रसोड़े में कौन था ये नहीं याद करना है हमको। ये याद करना है हमको इक्विटी शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कहाँ तक है, लिमिटेड अप टू कहाँ है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड, इक्विटी शेयर होल्डर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड, इक्विटी शेयर होल्डर्स इज लायबिलिटी, इक्विटी शेयर होल्डर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, अप टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, अप टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये पूरा छापने को ना यहाँ पे, आधी रात को भी मैं जगा के पूछू ना। हाँ, सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी बोलो अनलिमिटेड, पार्टनर्स की लायबिलिटी बोलो अनलिमिटेड, LLP में पार्टनर्स की लायबिलिटी बोलो लिमिटेड, कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी बोलो लिमिटेड, कहां तक? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। आधी रात को भी अगर मैं जगा के उठाऊं तो आना चाहिए आप लोगों को। हाँ या ना बोलो, ईमानदारी से पढ़ने का बेटा। जो बंदा ईमानदारी से पढ़ता ना, वो कभी फेल नहीं होता। गॉट इट? यस यस। और अभी दिन है बेटा पढ़ने के, अभी दिन है सारी चीजें करने के। अभी दिस इज द टाइम टू अचीव द थिंग्स, यू नो। ये वक्त दोबारा नहीं आता जिंदगी में, ये टाइम कभी दोबारा नहीं आता। हाँ इसीलिए मैंने बोला कि मैं SP पढ़ाने से, जब मैं SP पढ़ाने को बैठू ना बेटा, तो रिवाइज करके बैठना। बट हू केयर्स, इसमें तुम्हारा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। हाँ जी अब समझाओ। कॉल्ड अप, कॉल्ड अप में से मैंने 80,000 रुपए 60 रुपए मंगवा लिए, 40 रुपए मंगवाना बाकी है। इस 40 रुपए में से मैंने डिसाइड किया कि इस पे से जो फाइनल वाला कॉल है ना, मैं इसको बचा के रखूंगी। इसको मैं उस समय मंगवाऊंगी जब मेरी कंपनी को जरूरत होगी। आया समझ में? कॉल्ड अप कैपिटल 60 रुपए, अनकॉल्ड कैपिटल 40 रुपए पूरा, और उस 40 रुपए में भी मैंने एक छोटू सा हिस्सा 20 रुपए, ओके, उसको मैंने बनाकर रखा है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व में आप जो पैसा रखते हो ना, रिजर्व में आप जो पैसा रखते हो, रिजर्व में जो कैपिटल बन के रहता है, वो आप किसी प्रसंग पे ही निकालते हो। आया समझ में? रिजर्व कैपिटल कंपनी एक कॉशियसली बना के रखती है। अब समझा? ओके, जो रिजर्व कैपिटल है ना, वो हिस्सा है अनकॉल्ड कैपिटल का। रिजर्व कैपिटल जो है वो हिस्सा है अनकॉल्ड कैपिटल का। रिजर्व कैपिटल इज पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, ओके। रिजर्व कैपिटल तब मंगवाया जाता है जब उसकी जरूरत पड़ती है। गॉट इट? कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल है 40 रुपए पूरा, 40 रुपए में से भी रिजर्व कैपिटल में मैंने 20 रुपए रखे हुए हैं। आया समझ में? लेकिन वो 20 रुपए किसका हिस्सा है? अनकॉल्ड कैपिटल का।
गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? कॉल्ड अप, अनकॉल्ड एंड रिजर्व कैपिटल, यहाँ तक क्लियर है? बोलो फटाफट. रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, लिखो वहां पे, बोल्ड में लिखो ये भी. रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल. इट इज कॉल्ड अप ओनली इन द केस ऑफ सीवियर नीड, जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तभी ये निकलता है. ओके, समझा कि नहीं समझा? बोलो जवाब. आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू पीपल. चैट बॉक्स में आके जवाब दो फास्ट. कॉल्ड अप अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल हिस्सा है. ओके, रिजर्व कैपिटल हिस्सा है अनकॉल्ड कैपिटल का. रिजर्व कैपिटल हिस्सा है, हिंदी में भी लिखा तो भी चलता. रिजर्व कैपिटल हिस्सा है अनकॉल्ड अप कैपिटल का. इसको हम तब मंगवाते हैं जब हमको बहुत ज्यादा जरूरत होती है पैसे की. हाँ ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अब भाई ये जो मैंने 60,000 रुपये मंगवाए थे ना, सॉरी, ये जो मैंने 80,000 रुपये पे 60 रुपये मंगवाए थे, ओके, 80,000 शेयर्स पे मैंने कॉल्ड अप कितने किए थे? 80,000 शेयर्स. ये भी लिखना है आपको, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये मेरा कॉल्ड अप कैपिटल था. तो बेटा जितना मंगवाए उतने लोग आपको पे करते ही चाहिए क्या रे? जितना मांगा आपने उतना लोगों ने दे दिया, ऐसा होता है क्या? बोलो. 80,000 लोगों से मैंने 60-60 रुपये मंगवाए, बिल्कुल 80,000 रुपये में 1,000 लोगों ने बिल्कुल एकदम 20-20-20 भेजी दिए, ऐसा होता है क्या? कुछ कुछ लोग होता है ना जो पैसे नहीं देते. एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट मनी दे दिया, फर्स्ट कॉल दिया इच नहीं, होता है ना? बोलो. ओके तो भाई 80,000 रुपये में से, 80,000 रुपये में से जो भी मैंने, देखो एप्लीकेशन मनी पूरा आया, अलॉटमेंट मनी पूरा आया, लेकिन फर्स्ट कॉल पे 80,000 शेयर्स पे भी जो मैंने 20 रुपये मंगवाए थे, 80,000 शेयर्स में से 2,000 लोगों ने पैसे नहीं दिए फर्स्ट कॉल के. ओके, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 आ गया. ओके टिक, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 अलॉटमेंट मनी आ गया, टिक. 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 मैंने फर्स्ट कॉल मंगवाया था, लेकिन उसमें से 2,000 लोगों ने, मतलब 78,000 लोगों ने पूरे पैसे दे दिए. 78,000 पीपल मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना होता है रे? 78,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना होता है? हाँ, 15,60,000. ओके, और 4,00,000 क्या हो गया मेरा? 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 4,00,000 मेरा क्या हो गया? कॉल सिनेरियर, समझा? ओके, 80,000 शेयर्स जो मैंने बेचे, 80,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी पूरा आया, 80,000 शेयर्स पे मल्टीप्लाइड बाय 20 अलॉटमेंट मनी पूरा आया, फर्स्ट कॉल जो मैंने 80,000 शेयर्स पे मंगवाया 20 रुपए के हिसाब से, उसमें से 78,000 शेयर्स पर मेरा पूरा पैसा आया, 78,000 शेयर्स पर 20 रुपया पूरा आया, मतलब 15,60,000 रुपये आना कितना चाहिए था? 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 16,00,000 पूरा आना चाहिए था. ओके, मेरा फर्स्ट कॉल पे 16,00,000, फर्स्ट कॉल इज इक्वल्स टू 80,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 20
फर्स्ट कॉल पे मेरा पूरा 16 लाख रुपए आना चाहिए था, लेकिन आया कितना 78,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 20, 15,60,000 आ गया। और 2000 शेयर, एक बंदा है जिसने मेरे कंपनी के 2000 शेयर्स खरीदे थे, ओके, वो बंदा बैंकरप्ट हो गया, उसके 2000 शेयर्स उसने जो खरीदे थे उसके ऊपर मेरा फर्स्ट कॉल आया ही नहीं, ओके, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो मेरा कॉल्स इन एरियर्स कितना हो गया बेटा, 4 लाख। आया समझ में? कॉल्स इन एरियर मतलब जो आपने मंगवाया लेकिन आया ही नहीं, वो हो जाता है कॉल्स इन एरियर। लिखो वहां पे 2000 मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपीज, 4 लाख रुपीज लिखा, 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपीज, सॉरी 2000 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल्स टू 4 लाख। अब अ मेंबर, अ शेयरहोल्डर गॉट बैंकरप्ट, तो उसने फर्स्ट कॉल आपको दिया ही नहीं, उसने सीधा बोल दिया भाई मैं बैंकरप्ट हो गया। अरे समझाते हैं यहां तक। पेड अप कैपिटल कितना हो गया फिर आपका, सोलह प्लस 15,60 उतना हो गया आपका पेड अप कैपिटल। हाँ अब बोलो मुझे, काउंट करके बताओ। यस यस एग्जैक्टली, जस्ट लाइक बैड डेट, आपने मंगवाया लेकिन उसने दिया ही नहीं, उसने सीधे हाथ ऊपर कर दिए, बोला भाई मेरे से नहीं होता, मैं नहीं देता। आया बात समझ में? उसको बोला जाएगा कॉल्स इन एरियर। आपने मंगवाया लेकिन उसने दिया ही नहीं, एरियर कर दिया, ओके, उसको बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। यहां तक क्लियर है? पेड अप कैपिटल कितना हुआ फिर आपका, फर्स्ट कॉल आ गया, सेकंड कॉल आ गया, सॉरी एप्लीकेशन मनी आ गया, अलॉटमेंट मनी आ गया, फर्स्ट कॉल आ गया, फर्स्ट कॉल में से 15,60,000 आ गए, 16 प्लस 15,60 कितने होते, पेड अप कैपिटल कितना हो गया, 80,000 शेयर्स पे का, नहीं 78,000 कितना हो गया बोलो, अरे पेड अप कैपिटल कितना हो गया टोटल, एप्लीकेशन मनी भी आया, अलॉटमेंट मनी भी आया, फर्स्ट कॉल में से सिर्फ 2000 शेयर्स के पैसे नहीं आए, बाकी सारे आ गए। जोड़ के बताओ ना मुझे, एडिशन करके बताओ पेड अप कैपिटल कितना हुआ दीवानो। फास्ट, मेक इट क्विक। Exactly. Thank you, Disha. Thank you so, so, so much. मेरा पेड अप कैपिटल कितना है, 47,60,000, हाँ या ना बेटा, 1 जीरो ज्यादा हो गया दिशा, 47,60,000। अरे समझा क्या पेड अप कैपिटल कितना है, पेड अप कैपिटल में लिखो वहां पे, मैंने एग्जांपल लिखवाया जो एप्लीकेशन मनी पूरा आया 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, 16 लाख पूरा आया, अलॉटमेंट मनी 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, 16 लाख पूरा आया, फर्स्ट कॉल जो मैंने मंगवाया वो 78,000 पे 20 रुपया मतलब 15,60,000 ही आया, तीनों को जोड़कर कितना होता है बेटा, 16 लाख, 16 लाख प्लस 15,60,000, हाउ मच इट काउंट्स बोलो फास्ट। कितना हुआ टोटल, 47,60,000।
और मेरा कॉल सिनेरियर कितना हो गया जो लोगों ने मुझे दिया ही नहीं, 2000 × 20 जो 78,000 के पैसे आ गए फर्स्ट कॉल के, जो फर्स्ट कॉल का बचा हुआ था 2000 × 20,000 = 4 lakhs का मेरा कॉल सिनेरियर हो गया। ओके क्लियर है यहाँ तक, पूरा चार्ट क्लियर है, जवाब दो। हाँ बस यही है क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू, इसी को डिटेल में जो मैंने आपको एग्जाम्पल में इतना बड़बड़ किया ना अभी, बस वही डिटेल में नीचे दिया गया है। सॉरी हर्षदीप, मैंने ऑलरेडी शॉर्ट में बता दिया है, आप देख लेना यूट्यूब पे वापस से मेरा लेक्चर। ओके ऑलरेडी आई हैव इन्वेस्टेड मच मोर टाइम। ओके क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, बस इसी का सब कुछ लिया हुआ है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैंने जो बोला ना वही बोला गया है यहाँ पे, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। अ कंपनी कैन डिसाइड टू कीप असाइड अ पार्ट ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल to be called up only at the time of winding up of the company, only and only at the time of winding up of the company to meet its financial requirement। हम reserve capital का वो हिस्सा सिर्फ और सिर्फ तब बन बुलवाएंगे जब हमको जब हम wind up में जाएंगे तब। हाँ कुछ और, chapter number 3 तो मैंने आधा आपको यहीं पर मतलब सब कुछ clear करवा दिया पूरा, called up then uncalled then reserve then called up में subscribe unsubscribe सारा 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 चीजें हो गया, ऊपर वाला नीचे वाला सारा चीजें हो गया। ओके एनीथिंग एल्स अरे कुछ पूछना है क्या और चैप्टर नंबर 3 में से, पूछो। मैंने पहले ही बोला था चैप्टर पूरा पढ़ लेना और आपके जो भी क्वेरीज है उसको साइड में लिख लेना, कल जो भी क्वेरी सेशन होगा इसमें हम पूछेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 7 ये ओनली फॉर नॉलेज है रे, ये आपको पढ़ना नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट एज पर एग्जाम है, ये आपको पढ़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ दो, चलो और क्या था प्लीज रिपीट करना, मेरा चैट बॉक्स में से चैट टूट गया, रिपीट करना अपना क्वेश्चन।
kindly repeat your question into the chat box, whatsoever your query may be, to question number 7 छोड़कर. मेरा चैट बॉक्स में से चैट उड़ गया है, डिलीट हो गया है. ओके, फोर्थ क्वेश्चन का चार्ट रिपीट करूँ. ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन का चार्ट रिपीट कर देती हूँ. मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स. बेटा जी, ये क्वेरी सेशन कम और ये मेरा थर्ड चैप्टर वापस से पढ़ाना हो रहा है वैसे, बाय द वे. आया समझ में? हाँ, पीछे शादी चल रही है. सर जूम पे चल रहा है. एक काम करते हैं अपन बच्चों, एक काम करते हैं, 20-20 मिनट के ना चार सेशंस ले लेते हैं अपन. आया समझ में? पहले 20 मिनट में मैं आपको पब्लिक ऑफर, IPO, FPO सिखाऊंगी. अगले वाले 20 मिनट में मैंने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को आप राइट इशू, बोनस इशू कैसे करते हो वो सिखाऊंगी. उसके बाद एग्जिस्टिंग इम्प्लॉयज़ को सिखाऊंगी, दैट इज़ ESOS, ESAP, SARS, स्वेट इक्विटी. और बाद वाले में मैं प्राइवेट प्लेसमेंट सिखाऊंगी. चलेगा क्या? टुकड़े टुकड़ों में करेंगे हम, और उसको ना लिटरली टाइटल देंगे कि इसका नाम क्या है. ओके, इश्यू ऑफ शेयर का पब्लिक ऑफर, इश्यू ऑफ शेयर का एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स का एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, और इश्यू ऑफ शेयर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट. चलेगा क्या? बोलो. आपको वापस से आना जाना पड़ेगा बैच में, मैं वापस से लिंक भेजूंगी. चलेगा क्या? बोलो. या फिर फ्लो में एक बार एक सेशन ले लेंगे हम, क्योंकि ये बहुत बड़ा है. ओके, अगर मैं एक फ्लो में ले लेती हूँ ना तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा. गॉट इट? ये समझा क्या? जवाब दो चैट बॉक्स में. हाँ, तो मैं लिंक वापस से भेज रही हूँ आप लोगों को बच्चों.
मैं आपको लिंक ना वापस से भेज रही हूँ, और 20 मिनट में हम सिर्फ आईपीओ और एफपीओ पढ़ेंगे, ओके? स्टे ट्यून्ड, व्हाट्सएप पे मिलते हैं, मैं अभी लिंक भेज रही हूँ आपको, ओके? अरे हाउ की नहीं, जवाब दो फटाफट चैट बॉक्स में, आईपीओ एफपीओ तोड़ते, चलो चलो मिलते हैं, मैं भेज रही हूँ लिंक का।